वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ विनय। आपने मेरे घर फिटिंग के फर्स्ट पार्ट में देखा था, लाइन फिटिंग के बारे में। ठीक है, इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं आपको पाराबोले फिटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में आपने लाइन फिटिंग के बारे में सारा देखा था प्रोसेस। इस बार पाराबोला फिटिंग के बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैराबोला फिटिंग। पैराबोला फिटिंग इसका भी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बनाने का नियम सीख लेते हैं। इसके बाद इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा इसका? लेट इक्वेशन पैराबोला लेट इक्वेशन पैराबोला क्या होगा? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा। ये मुझे फाइंड करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, स्टेप टू क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन क्या होगा इसका? ये मेन चीज है, इसमें भी वाई इज इक्वल टू समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स प्लस सी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स क्यूब। ठीक है, और दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स क्यूब प्लस सी समेशन एक्स फोर। ठीक है, ये हमारा होगा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या होगा? इसमें भी वही सेम प्रोसेस जो हमारी इक्वेशन दी रहे, मतलब पॉइंट जो दिया रहेगा एक्स और वाई की, एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन तक, इसमें वाई वन वाई टू वाई थ्री जो भी ये दो पॉइंट दी रहेंगी, इन दोनों पॉइंट की सहायता से हम समेशन सारी ये समेशन वाई समेशन सारी इस वैल्यू निकाल देंगे हम। समेशन वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स इज इक्वल टू सारी वैल्यू इस पॉइंट की सहायता से निकाल लेंगे जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड भी कर लेंगे, समेशन एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, समेशन एक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और समेशन एक्स फोर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और मैंने एन की वैल्यू बताई थी, जितना दिया रहे वो वाई का पावर एन, एन की वैल्यू जितने दिए रहेंगे वैल्यू उसके बेसिस पर होगा ये। ठीक है, आप मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखे तो उस पर देख ली, मैंने अच्छे से समझाया था ये एन की वैल्यू किस तरह आती है। ठीक है, स्टेप फोर,
स्टेप फोर क्या होगा दोस्तों, ये सब अगर वैल्यू फाइंड हो जाए ठीक है, तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर मान लेते हैं, इसमें पुट करेंगे ठीक है। पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इससे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ठीक है। देन स्टेप फाइव क्या होगा, जब ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमें जो पाराबोला इक्वेशन होता है उसमें पुट कर देंगे। पाराबोला इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए बी सी की वैल्यू जो आएगी इसमें पुट कर देंगे तो ये पाराबोला इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अब इसी बेसिस पर एक आपको हम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं ठीक है। तो ये रहा पाराबोला इक्वेशन पर एक प्रॉब्लम, फाइंड द सेकेंड डिग्री पाराबोला टू द फॉलोइंग डाटा यूजिंग मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर, एक्स और वाई की पॉइंट दी रखी है मुझे, तो इसमें डिफरेंस समझने का है दोस्तों। देखो जैसे फर्स्ट सेमी क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने अपलोड किया था, इसमें लाइन का क्वेश्चन था, इसमें पाराबोला का क्वेश्चन है ठीक है। तो इसका स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। लेट इक्वेशन पाराबोला पाराबोला इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये सी है इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको ठीक है दोस्तों। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। स्टेप टू देखते हैं, स्टेप टू क्या था, नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन क्या था इसको भी समझने का छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। समेशन y इक्वल टू समेशन एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसमें भी सेम इस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको एन से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको समेशन एक्स से, इसको समेशन एक्स स्क्वायर से, इसको समेशन एक्स से, समेशन एक्स स्क्वायर से, समेशन एक्स क्यूब से, इसको समेशन एक्स स्क्वायर से, इसको समेशन एक्स क्यूब से, इसको समेशन एक्स फोर से मल्टीप्लाई करा देंगे ठीक है। इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड, इसको फोर्थ ठीक है दोस्तों। और एन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एन इक्वल टू होगा ये मैं कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, एन इक्वल टू फाइव हो गया ठीक है सर। स्टेप थर्ड देखते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स जो एक्स वाई की दी रहती हैं ठीक है। एक्स ये वाई, इसमें एक्स स्क्वायर का
इसमें एक्स क्यू का, इसमें एक्स फोर का, जितनी वैल्यू ये दी रहती है ना उसके हिसाब से हम कॉलम बनाएंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स वाई का और एक्स स्क्वायर वाई का, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब एक्स की क्या क्या दिया हुआ है, जीरो वन टू थ्री फोर, वाई की वैल्यू है वन, 1.8, 1.3, 2.5, 6.3। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, जीरो, एक्स का फिर से स्क्वायर करने ये वन, ये फोर, ये नाइन, ये 16। ठीक है, एक्स का क्यू करेंगे तो ये आएगा जीरो, ये वन, ये एट, ये 27, इसे करेंगे क्यू 64। ठीक है, अब एक्स फोर देखेंगे, इसका फोर करेंगे तो ये जीरो ही होगा, ये वन, ये 16, ये 81 और ये होगा 256। ठीक है, और ये कितना होगा एक्स वाई का, ये जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 1.8, 2.6, 7.5, 25.2। ठीक है, और इसका क्या होगा, एक्स का स्क्वायर और वाई, और वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, जीरो, 1.8, 5.2, 22.5, इसका 100.8। ठीक है दोस्तों, अब इसका समेशन निकाल लेते हैं। समेशन एक्स कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और समेशन वाई इज इक्वल टू 12.9। ठीक है, और इसका समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30, समेशन एक्स क्यू इज इक्वल टू 100। ठीक है, समेशन एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 354। ठीक है, और समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 37.1। ठीक है, और समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 130.3। हो गया, अब इस समेशन की जितनी वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में पुट करेंगे, उसके बाद हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन सेकेंड क्या था, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, 5a प्लस 10b प्लस 13c इज इक्वल टू 12.9। ठीक है, और ये इक्वेशन थर्ड क्या था, 10a प्लस 30b प्लस 100c इज इक्वल टू 37.1। और फोर्थ क्या था,
प्लस 100b प्लस 354c इज इक्वल टू 130.3। इक्वेशन 234 में जब पुट करेंगे तो ये आएगी, इसको 567 मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनेगा, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो पैराबोला का इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ये तो हो गया, तो चलिए मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। 5a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 12.9, और ये 10a प्लस 30b प्लस 100c इज इक्वल टू 37.1। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा नया इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10a प्लस 20b प्लस 60c इसको टू, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 25.8। ठीक है, ये वाला तो छाप देंगे, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा सब वैल्यू, 100c इज इक्वल टू 37.1। ठीक है, ये तो करना था ही आप सबको। टेन माइनस 10b माइनस 40c इज इक्वल टू माइनस 11.3। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं 8। ठीक है, अब इन दोनों का इक्वेशन सॉल्व कर लिया, अब करते हैं इसका और इसका, इससे एक और इक्वेशन मिलेगा, ले आगे देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 5th और 8th को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5a प्लस 10b प्लस 30c इज इक्वल टू 12.9। ये है 30a प्लस 100b प्लस 354c इज इक्वल टू 130.3। ये हमारा इक्वेशन 5th और ये इक्वेशन 7। ठीक है, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक नया इक्वेशन बनेगा। ये तो हमारा नया इक्वेशन क्या होगा, 30a प्लस 60b प्लस 180c इज इक्वल टू 77.4। इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये तो सेम ही होगा सब, 30a प्लस 100b प्लस 354c इज इक्वल टू 130.3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब इन दोनों का करेंगे तो क्या होगा, माइनस 40b माइनस 174c इज इक्वल टू माइनस 53.3। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 9। जो हमारा इक्वेशन 8 ये वाली और ये वाली, इन दोनों को सॉल्व करके किसी b या c की वैल्यू पुट निकाल लेते हैं पुट करके।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इक्वेशन एट और इक्वेशन नाइन, इक्वेशन एट एंड इक्वेशन नाइन को सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशन एट क्या है, ये वाली, इक्वेशन नाइन ये वाली। इक्वेशन एट में हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहीं से कर देते हैं, इसको हम इक्वेशन एट में इस वाले इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सॉरी फोर से, तभी 40 हो जाएगा ना, बी को काट कर सी की वैल्यू निकाल देंगे, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको वन से, नाइन वाले को इसे डायरेक्ट में फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखता हूँ, फोर्टीन बी माइनस इसको फोर से करेंगे तो 160 सी इज इक्वल टू करेंगे फोर से लगेगा 45.2, ठीक है, इसको वन से करेंगे तो इधर सीधा ही लिख देंगे माइन 140B माइनस 174C इज इक्वल टू माइनस 53.3, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, इससे इन सब सॉल्व करने का सी की वैल्यू आएगी 0.34, ठीक है, ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू इक्वेशन नाइन्थ में या एट में पुट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए सी की वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन एट में पुट कर देते हैं, तो दोस्तों सी की वैल्यू आई थी 0.34, उसको इक्वेशन एट में पुट करेंगे, इक्वेशन एट ही हमारा ये रहा, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, बी की वैल्यू, जब इसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे सॉल्यूशन करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी -1.07, ठीक है, बी और सी की वैल्यू मिल गई मुझे। और इस बी और सी की वैल्यू को हम इक्वेशन फिफ्थ सिक्स सेवन किसी में पुट कर सकते हैं, जैसे बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो इस इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, मैं फिफ्थ इक्वेशन पुट करता हूँ, ए इज इक्वल टू सॉरी बी इज इक्वल टू -1.07 एंड सी इज इक्वल टू 0.34 पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में, तो उससे ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, 5a प्लस 10b प्लस 30c इज इक्वल टू 12.9, बी और सी की वैल्यू पुट कर दें तो ए की वैल्यू मुझे कितनी आ जाएगी ये 1.9। तो दोस्तों हमें सारी वैल्यू मिल गई ए बी सी, तो लास्ट स्टेप क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा क्या है, पैराबोला इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 1.9 प्लस बी की वैल्यू है सॉरी माइनस के कारण जी 1.07x और c की वैल्यू है 0.34 स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आया। थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को दबा दें,
और मैं एम थर्ड की सारी वीडियोस मैं इसमें डाल दूंगा, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे सारे सॉल्यूशन मैथ के, ठीक है, और सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।